world. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई एम मोहम्मद शामिल खान फ्रॉम एमएसके एडिटर स्टूडियो। सो आज हम पढ़ेंगे कोरल ड्रॉ X6। और कोरल ड्रॉ X6 के अंदर आज मैंने आपको पढ़ाना है कि पहले तो हम पिक टूल और फ्री हैंड पिक और शेप टूल पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो आज हमने पढ़ना है वो होगा हमारा एक नया टूल, जो कि हम लोग पहले इस पेज को रोटेट कर लेते हैं। तो इस पेज को रोटेट करने के लिए मैंने यहाँ क्लिक करके इसको थोड़ा सा ज़ूम किया, एंड देन मैं आपको दिखाऊंगा आज हम लोग पढ़ेंगे स्मज ब्रश, रफ एंड ब्रश, फ्री ट्रांसफॉर्म, स्मियर टूल, ट्विल, ट्रैक्ट एंड रिपेल टूल। तो हम शुरुआत करेंगे स्मज ब्रश से, लेकिन उससे पहले हम लोग एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, और स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरह इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर एक कलरफुल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पहले हम इसकी आउटलाइन थोड़ी मोटी कर लेंगे, और वो कर लेंगे, मैं तकरीबन कर लेता हूँ 36 लिखें, हम लोग इतनी मोटी हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए 4 काफ़ी है। और देन हम आपको बताएंगे यहाँ से हम लोग अपने कोई भी कलर फिल कर सकते हैं स्क्वायर के अंदर। ये मैंने चूज़ किया, और ये चूज़ करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि कलर हम यहाँ से भी इजीली ले सकते हैं, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली फिल कर दें तो आपका ये फिल हो जाएगा। यहाँ से साइड से भी आप लोग कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने अपने कलर फिल कर लिए हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो हम लोग सबसे पहला टूल पढ़ेंगे वो होगा स्मज ब्रश। और उससे पहले यहाँ पर जो कलर लेके आने थे वो यहाँ से लेके आ गए हम लोग, और यहाँ से हम कोई भी कलर चूज़ कर लेंगे, एंड देन हम शुरू करेंगे स्मज ब्रश। स्मज ब्रश से होगा ये कि पहले हम लोग यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं, इसका साइज़ यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेंगे, एंड देखें यहाँ से हम लोग अंदर की कोई भी चीज़ इस तरह बाहर ला सकते हैं और इजीली कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से हम देखें अब वाइडन और नैरो दी हमारे पास एंड पॉइंट्स होंगे, और इस तरह देखें हमारे पास इस तरह एंड पॉइंट्स आना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह हमारे पास नैरो नैरो पॉइंट्स आना शुरू हो गए हैं। तो अगर हम इसको 0-10 कर लेते हैं तो ये मोटा होता रहेगा और ये मोटा हो जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं, और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास पहले हम इसको 0 करते हैं। अगर इस तरह 0 ना हो रहा हो आप सिंपली इसको ऊपर क्लिक करके 0 खुद भी लिख सकते हैं इस तरह करके, और मैंने लिखा 0 एंड देन प्रेस एंटर, इट विल बिकम 0। और इस तरह देखें आपका जैसे कोई भी हो बाहर की चीज़ आप अंदर लिखा आ सकते हैं, और अंदर की चीज़ आप बाहर लेकर जा सकते हैं। तो इतना मैंने आपको बता दिया, इस तरह हम लोग कोई भी चीज़ बाहर की अंदर लेके आ सकते हैं। तो ये है हमारा स्मज ब्रश, और स्मज ब्रश से आप कोई भी चीज़ किसी भी तरह के कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। देन हमारे पास इसके पास बहुत सारे टूल्स हैं। इसके बाद हम लोग जो टूल पढ़ेंगे वो टूल होगा हमारे पास जो है रफ एंड ब्रश। और रफ एंड ब्रश का हमारे पास जो तरीका है, पहले हम इसका साइज़ देख रहे थे कि साइज़ हमें किस उस रफनेस का जो उस वेव्स का साइज़ होगा कितना बड़ा होना चाहिए, और ये देखें हमारे पास इस तरह की यहाँ पर वेव्स बन जाएंगी। और जैसे ही हमारे पास ये वेव्स बन जाएंगी, देन आप जो है इस वेव्स को मोटा या पतला आपको जिस तरह की लाइन्स वेव्स की चाहिए वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि फ्रिक्वेंसी किस तरह की हो, कि स्पाइस किस तरह बढ़े, और हम लोग चेक करेंगे, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह पहले यूनिफॉर्म बिल्कुल स्पाइक्स बने थे, अब कैसे आड़े तिरछे या ऊपर नीचे बनेंगे। तो इस तरह भी हम लोग इस पर इजीली काम कर सकते हैं। तो इस काम के लिए भी हमें इस रफ एंड ब्रश की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, और ये हमारे लिए पैटर्न्स बनाने के लिए कपड़ों के भी काफ़ी काम आएगा, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा जब हम लोग इसके बनाएँगे। तो यहाँ पर भी देखें आप लोग जब इसको जितना काम करेंगे एंगल्स के मुताबिक भी ये चलता है, और ये देखा आपने किस तरह हमारे पास ऊपर नीचे इसके थोड़े से स्पाइक्स बन गए हैं। लेकिन हमें अभी ये स्पाइक्स के अलावा भी और कुछ करना है, और वो होगा हमारे पास नेक्स्ट टूल के फॉर्म में। और नेक्स्ट टूल हमारे पास है यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म एक अच्छा टूल है, जो कि हम लोग इसको रोटेट करके भी ईजीली कर सकते हैं। ये देखिए हम लोग सिर्फ सिंपली क्लिक करना है, एंड देन यहाँ से भी हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर रोटेट करा, एंड यहाँ पर कॉपी हो जाएगा इजीली। यहाँ पर देखा आपके पास इजीली यहाँ पे ये कॉपी हो गया, एंड देन
यू विल डू मूव एनी वेयर यू वॉन्ट एंड देन आई विल डू कॉपी अगेन एंड रोटेट देन अगेन। इस तरह मैं कर करके कुछ भी यहाँ पर शेप बना सकता हूँ, यहाँ पर कुछ भी मैं नया पैटर्न इसको दे सकता हूँ। तो अब आप देखें, मैं इसको भी एक नया ट्रांसफॉर्म करके एक तरह से सॉलिटेयर कार्ड्स की तरह इसको मैं एक तरह की शेप दूंगा। और ये आपने देखा, ये इस तरह हमारे पास जो है कार्ड्स आ गए हैं। ये थोड़ी गलत शेप हो गई, लेकिन इसको फिर से अंडू कर लेते हैं। या और ये हमारे पास शेप मुकम्मल हो गई है। और फिर हम देखेंगे इसको हम डिफरेंट रंग से भर देंगे, ताकि आपको पता चले कि ये सारी अलग अलग शेप्स हैं जो कि कॉपी एंड रोटेट हुई हैं। एंड यहाँ पे भी हमें कोई रंग ना कोई ना कोई रंग कर देंगे। हर कार्ड के अंदर मैं कोई ना कोई यहाँ पर फिल कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी कोई टेंशन ना रहे कि ये कॉपी हुआ या नहीं। तो एंड नेक्स्ट कलर विल बी ओके, आई विल सेलेक्ट दिस वाइट। ओके डन। इस तरह से हम लोग फ्री ट्रांसफॉर्म को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉपी रोटेट इसको ईजिली कर सकते हैं। मैं कंट्रोल प्लस ए से दबा कर मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। एंड देन आई विल ड्रॉ स्क्वेयर अगेन एंड देन फिल विद इट कलर। एंड ये वहाँ मैंने कलर से भर दिया थोड़ा जूम करके। अब मैं आपको नेक्स्ट टूल को जो बताने जा रहा हूँ, वो नेक्स्ट टूल होगा हमारे पास स्मेयर टूल। जी, स्मेयर टूल का भी एक बहुत अच्छा काम है। हम लोग इसको कहीं भी किधर भी इसको स्क्वेयर को या कोई भी शेप हो इसको ईजिली मूव कर सकते हैं। और मूव करने का तरीका ये होगा, आपने सिर्फ सिंपली क्लिक करना है, बाहर की तरफ से अंदर मूव करना है तो बाहर से अंदर ब्रश लेकर आइए, और अंदर से बाहर मूव करना है तो अंदर से बाहर की तरफ ब्रश लेकर आइए। और इस तरह मैंने कोई भी इसको शेप दे दी है। और उस शेप को देने के बाद मैं आपको बताता हूँ उसके नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी। वो प्रॉपर्टी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। आप देखें यहाँ पर कितना बड़ा कर्व है, हमें ये कर्व नहीं बड़ा नहीं चाहिए। तो आप देखिएगा, आप देखें यहाँ पर मैंने ज़ीरो किया तो कर्व बन ही नहीं रहा, और थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ तो इसका इस तरह थोड़ा थोड़ा सा पॉइंटेड कर्व बनना शुरू हो गया। और इसका हम लोग थोड़ा सी थोड़ा नैरो नैरो इफेक्ट थोड़ा डाल सकते हैं इसके ऊपर भी। और इसके बाद अगर हम देखें इसका नेक्स्ट स्टेप, जो हमें साइज़ इसका छोटा करके जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें इसका अभी भी कर्व थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको भी हम लोग थोड़ा छोटा इजीली कर सकते हैं। और ये देखें, मैं एक पैटर्न बनाऊंगा इस वीडियो के आखिर तक, आपके पास एक पैटर्न बन जाएगा सिर्फ इस स्क्वायर के ज़रिए। और वो पैटर्न इंशाल्लाह को मतलब अच्छा होगा उस बिगनर्स के लिए। और देखें ये इस तरह हम लोग इसको कुछ भी किसी तरह की भी स्मेयर टूल से इजीली शेप दे सकते हैं। आप रूल्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छी तरह से सीख सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और जब हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कंप्लीट कोर्स कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी साइट्स हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को बहुत अच्छा पे कर रही हैं। और एक एक डिज़ाइन के लिए वो पे करती हैं तकरीबन 300 to 500 डॉलर्स। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर नेक्स्ट ब्रश के ऊपर, और जो कि ट्विल ब्रश है। और इसमें हमारे पास होगा ये इस तरह, हमारे पास ट्विल्स पैदा होंगे और इस तरह का वेव इफेक्ट है। लेकिन ये हम लोग इसको पूरे शेप को इस तरह इस पॉइंट से हम लोग घुमा देते हैं। ऊपर एरो से हम लोग इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अभी शायद आपको डायरेक्शन महसूस ना हो, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि डायरेक्शन का क्या फ़र्क पड़ा है। अब देखें, मैंने ये डायरेक्शन में लाई तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए अपोजिट साइड में ब्रश घूमना शुरू हो गया, और ये हमारे पास भी एक अच्छा इफेक्ट बनेगा। अभी हम लोग इसको आखिर तक एक अच्छा इफेक्ट बना ही देंगे कुछ ना कुछ करके, तो इन्हीं ब्रश से जो आज हम आपको सिखाएंगे। और यहाँ पर ये तकरीबन हमारा एक डिज़ाइन तैयार होने जा रहा है। ये डिज़ाइन भी इतना बुरा नहीं लग रहा, लेकिन हम आगे आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये था ट्विल ब्रश का इफेक्ट, जो कि आप इजीली कहीं भी कर सकते हैं किसी भी शेप के ऊपर, और इसको एक अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। एंड देन देयर इज अट्रैक्ट टूल। अट्रैक्ट टूल ये होगा जब जहाँ पर आप ब्रश से क्लिक करेंगे, आसपास की सारी चीज़ें उस ब्रश के पास जो है अट्रैक्ट होकर इस तरह पॉइंटिंग में बन जाएगी। देखा आपने, आप इसकी पावर को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं ऊपर जाकर। तो यहाँ से अब हम जो है ये लाइन आपने देखी, और ये मैंने कर दिया यहाँ पे इस तरह अट्रैक्ट। और आहिस्ता आहिस्ता देखें, हमारा यहाँ पर एक पैटर्न बनता जा रहा है। और ये पैटर्न हमने सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर से बनाया है। और ये आपकी थी शायद तीसरी क्लास, और तीसरी क्लास के अंदर हमने टूल्स का इस्तेमाल करते हुए पैटर्न्स बनाना सीख लिए हैं।
और पैटर्न्स को हमने इजीली कहीं भी इसी तरह बना सकते हैं। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ इस अट्रैक्ट टूल का, आप समझे मैं बनाना चाहता हूँ कैंडी, तो कैंडी बनाने के लिए मैं पावर ज़्यादा है इसकी, तो मैं इसकी थोड़ी पावर कम कर लेता हूँ, साइज़ बड़ा हो गया इसका। अब इसकी पावर जितनी ज़्यादा होगी ये उसी जल्दी यहाँ पर अट्रैक्ट कर जाएगा। मैं इसकी पावर कम करके इसको थोड़ा इस तरह शेप दूँगा, और इस तरह शेप देने के बाद ये कैंडी टाइप एक शेप बन जाएगी। और इसको आप फिर क्या कर सकते हैं, आप इसको स्मेयर टूल के ज़रिए इस कैंडी की शेप को थोड़ा सा बेटर लुक भी दे सकते हैं, और बेटर लुक आप इस तरह दे सकते हैं कि उसके पॉइंटेड कॉर्नर्स को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लें आपकी तरफ। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन आप जब बना रहे होंगे तो सही हो जाएगा, इसलिए मैं ये जल्दी जल्दी हो रहा है इसलिए थोड़ी ज़्यादा करना पड़ता है। देन मैं आपको बताता हूँ रीपेल टूल, रीपेल टूल से जिस तरह हमारे पास अट्रैक्ट होता था ये हमें रीपेल करेगा और शेप्स को इस ब्रश के बाहर धकेलेगा। अब देखें ये हमारी बन गई, ये कैंडी की तरह की शेप बन गई हमारी, और इस तरह से हम लोग इस पैटर्न के ऊपर अगर थोड़ा सा अफेक्ट दें तो देखें हमारे पास इस अफेक्ट के साथ इस तरह का कोई हम लुक देंगे उसको, एक अलग सा लुक जिसकी वजह से ये रिपेल कर रहा है, और रिपेल करके आपको शायद थोड़ा इनलार्ज ऐसा लगे कि थोड़ा बाहर की तरफ आ गया है, लेकिन हमारा इसके ज़रिए एक खूबसूरत पैटर्न बन रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, अगर आप इससे कुछ भी सीख रहे हैं तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने तकरीबन हर हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस इसमें ज़रूर डालेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि 2-2.5 हफ्ते के अंदर आपको इस कोरल ड्रॉ का कंप्लीट कोर्स करा के ऑनलाइन अर्निंग के बारे में भी अच्छी तरह सिखा दें। तो इस तरह हमने ये पैटर्न बनाना शुरू किया था, और स्क्वायर के ज़रिए पैटर्न बनता जा रहा है जिस तरह हम चाह रहे हैं वहाँ हम पैटर्न इस तरह बना रहे हैं। तो अभी ये पैटर्न जो है, पैटर्न बनाने के बाद अभी मैं फिर से जो हूँ इसको मैंने फ्री हैंड पिक लेकर लेसो सिलेक्ट किया, और देन आई प्रेस डिलीट एवरीथिंग गॉन, और यहाँ पर हमारा पैटर्न को थोड़ा इनलार्ज कर देंगे इस तरह से, और ये पूरे पेज के ऊपर हमारे पास इनलार्ज हो गया है, और ये एक तरह का हमारे पास एक ऑयल पेंट समझ लें, पानी के ऊपर पड़ा होगा तो इस तरह का कोई इफेक्ट हमारे पास बन जाएगा, तो ये भी उस तरह का कोई इफेक्ट समझ लें आप। और इस तरह से आप इसका सिलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मैरून रखा था क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो अभी हम लोग इसको डार्क कलर के अंदर रख देंगे। और यहाँ पर हमारा पैटर्न ऑलमोस्ट रेडी है, एंड हियर्स आवर पैटर्न, और यहाँ पर हमारा पैटर्न बिल्कुल तैयार। आपने इसको सेव करना है तो आपने इसको, अगर आपने पिक्चर फॉर्म में चाहिए तो यहाँ से एक्सपोर्ट करें, अगर आपको चाहिए कि आप वापस एडिट कर सकें तो यहाँ से सेव करें या सेव एज कर लें। अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर फॉर्म में जो एडिट नहीं हो सकती तो एक्सपोर्ट करना है, वरना सोर्स फाइल के लिए आप सेव करते हैं। और यहाँ पे हमारा पैटर्न हो गया बिल्कुल।